पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आम आदमी पार्टी ने भी महंगाई के मुद्दे को भुनाने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन ये प्रदर्शन आपके विधायकों को इतना भारी पड़ा कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने उन्हें जेल ही भिजवा दिया। देश में आसमान छूती पेट्रोल की कीमतों पर आम आदमी पार्टी के विधायक पेट्रोलियम मंत्रालय का घेराव करने शास्त्री भवन पहुंचे थे। विधायकों ने बढ़ती महंगाई पर जैसे ही मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू की, वैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और बसों में भरकर संसद मार्ग थाने ले गए। विधायकों का कहना है कि यह लोगों की जेब पर डाका है, केंद्र सरकार ने जनता को धोखा दिया है। शास्त्री भवन पर प्रदर्शन करने पहुंचे आपके आधा दर्जन विधायकों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि देश में पिछले 70 सालों में इतना बर्बाद नहीं हुआ जितना मोदी सरकार ने अब कर दिया है। आजकल देश में हर तरफ मारामारी है, लोग महज अफवाह पर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए हैं। ये सब मोदी सरकार की हिंदूवादी सोच का ही नतीजा है। इतना ही नहीं, विधायकों ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को भड़का कर अपनी जेब भरने का काम कर रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों से देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बदलने की नीति लागू करने के बाद लगातार पेट्रोल महंगा हुआ है। इसी पर आप विधायकों ने कहा कि जितना पेट्रोल का दाम नहीं है उससे ज्यादा कीमत तो केंद्र सरकार टैक्स के रूप में वसूल रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।